हेलो स्विमर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री स्टाइल, वो भी कम्प्लीटली, मतलब उसमें कम्प्लीट एलिमेंट्स जितने भी होते हैं फ्री स्टाइल में, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, चाहे वो कैच हो, बॉडी पोजीशन हो, पुल हो, किकिंग हो, ठीक है, पुल फेज़ हो, रिकवरी फेज़ हो, ग्लाइडिंग हो, बॉडी रोटेशन हो, सारे पार्ट, सारे एलिमेंट इसमें हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन एक कम्प्लीट वीडियो होगा जिसमें आप लोग को फ्री स्टाइल के बारे में सारी चीज़ और सारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। परफेक्ट फ्री स्टाइल के लिए हर स्विमर्स को कुछ एलिमेंट्स को परफेक्टली करना होता है, तो उसमें से मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा पहला है बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन में भी दो एलिमेंट होते हैं, हेड पोजीशन एंड हिप पोजीशन, ठीक। और सेकेंड एलिमेंट कौन सा? सेकेंड एलिमेंट है कैच, थर्ड है रोटेशन, एंड फोर्थ है ब्रीथिंग, फिफ्थ है किकिंग, एंड सिक्स्थ है बॉडी साइलेंट स्विमिंग, ठीक है। तो ये 5 से 6 एलिमेंट जो हैं इनको हम लोग इस वीडियो में पूरे में कवर करेंगे। तो मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा साइड में या स्क्रीन पे, मैं उसको उस एलिमेंट को आपको स्विमिंग के जरिए भी शो करता रहूंगा, ठीक। तो पहला पॉइंट है स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन में एक्चुअल में होता है क्या, जैसे हम ऐसे खड़े हैं ना, तो हमारा हेड, शोल्डर, नेक और बेली एंड लेग, ये पूरा एक सीधे एक रे में है, मतलब एक सीधे रेखा में, ठीक। तो इसी को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। और इसी पोजिशन को हम लोग को वाटर में भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि वाटर में जैसे हम लोग को वाटर में बैलेंस करने में थोड़ा सा जब दिक्कत होती है, तो यही बॉडी ऐसे जिगजैग होने लगती है, तो वो नॉन स्ट्रीम हो जाता है। तो इसीलिए पहला हम लोग को ये जो सबसे मेजर है कि जितना स्ट्रीमलाइन रहेगी आपकी बॉडी, उतने ही इजी कट करके जाएगी ये वाटर को, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा जो रॉकेट का शेप होता है, वो भी आगे पॉइंटेड होता है एंड एक स्ट्रेट होता है, ठीक, वो कोई डिज़ाइनदार नहीं होता है। तो सेम उसी तरह हम लोग को भी पानी में भी अपनी बॉडी को एकदम पॉइंटेड रखना होता है। जैसे हम लोग अंडर वाटर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैंड को आगे इस तरह लॉक कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंटेड आगे बन जाता है हम लोग का बॉडी, तो वो पानी को कट करने में हम लोग को काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो ड्रैग होता है, वाटर ड्रैग जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एंड स्पीड बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी आप स्विमिंग करेंगे तो ट्राई करिएगा कि आपकी जो हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट और बेली, थाई और एंड लेग, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में हो। एंड अगर नहीं भी हो रहा, तो उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उसे धीरे धीरे आप लोग स्ट्रीमलाइन को अचीव कर लेंगे। सेकंड हम लोग आते हैं बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन वही स्ट्रीमलाइन का एक पार्ट है, जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में होना होता है ताकि ड्रैग कम से कम हो, ठीक। तो बॉडी पोजीशन में भी दो पार्ट होते हैं, एक हेड की पोजीशन होती है, एक हिप आपकी बेली और या हिप साइड वाली पोजीशन होती है, ठीक। तो पहले हेड वाली पोजीशन हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या होता है। तो पहला जो है वो है हेड पोजीशन। हेड पोजीशन में मतलब कि आप जब स्विमिंग कर रहे हैं तो आप स्विमिंग पूल में किस तरफ देख रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं तो आगे की ओर ऐसे देख के स्विमिंग करते हैं, ठीक। तो वो गलत होता है, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया आपका फेस का है, उस पर वाटर जब लड़ता है तो वो ड्रैग बनाता है, और वो ड्रैग जो होता है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमेशा क्या किया जाता है कि आगे ना देखकर हम लोग नीचे देखते हैं या थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं। स्विमिंग पूल के जो फ्लोर होता है, फ्लोर या तो फ्लोर को देखेंगे एकदम सीधे, और या तो थोड़ा सा आगे आगे फेस करेंगे, लेकिन हमेशा सीधे नहीं करेंगे, ठीक। तो ये होता है हेड की प्रॉपर पोजीशन, ठीक। और हेड को हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन मतलब ये दोनों शोल्डर है ना, शोल्डर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, इस एकदम सीधे रहेगा। बहुत लोग स्विमिंग करते हैं तो कभी इधर हेड आता है, कभी इधर हेड आता है, तो वो गलत होता है, वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई कि हेड की पोजीशन क्या है, ठीक। एंड अब आते हैं कि आपका जो हिप पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और, जो हेड की पोजीशन होती है, जब हम लोग फेस आगे करके स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, तभी जो होता है, जब हम लोग अपना हेड उठाते हैं ना, तो अभी हम लोग का जो लेग होता है सिंक होने लगता है, वो लेग के सिंक होने लगता है। एंड ये प्रॉब्लम अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत भरा था कि सर जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मेरे लेग डाउन हो जा रहा है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा कि क्या आप हेड अप करके, मतलब हेड अप या फिर अपना फेस अप करके तो स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। अगर फेस अप भी कर रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर होता है कि आपका जो लेग है, मतलब जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वो सिंक होने लगेगा। तो ये हो गया हेड की पोजीशन। अब आते हैं हिप पोजीशन पे। तो जो हिप पोजीशन होता है वो सेम आपके हेड की पोजीशन को ही फॉलो करता है, मतलब कि वही सेम स्ट्रीमलाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि हेड है शोल्डर का, जैसे मैंने बता दिया न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, बेली इसी रे में होनी चाहिए, एंड जब बेली इसी रे में है तो आपका हिप भी उसी पोजीशन में होना चाहिए। तो इसको अगर मैं एक सेंटेंस में क्लियर करूँ कि ये पोजीशन किस तरह फॉलो होती है, तो ये होता है हेड, स्पाइन, हेड एंड लेग, ये चारों पार्ट जो है वो एक ही
चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर हेड जिस तरफ है उसी तरफ आपका स्पाइन भी लेफ्ट और लेफ्ट या राइट होने लगेगा या स्ट्रेट रहेगा, एंड उसी को फॉलो आपका हिप करेगा एंड देन लेग भी उसी को फॉलो करेगा। तो आप कोशिश करना है कि एक प्रॉपर रे में ये चारों एलिमेंट होने चाहिए। अब आते हैं हम लोग कैच पे। जो कैच होता है मतलब हैंड एंट्री, तो उसमें बहुत लोग की मैंने गलती देखी है और उसको भी मैं क्लियरली समझा दे रहा हूँ एंड उसी को फॉलो करिएगा। पहली गलती तो जैसे कैच क्या होता है, कैच होता है वाटर में आप हैंड इंटर किस तरह कर रहे हैं एंड वाटर को ग्रैब करके पीछे किस तरह पुल कर रहे हैं। तो बहुत लोग की गलती क्या होती है, जब वो लोग हैंड इंट्री करते हैं तो वो लोग इस तरह हैंड इंट्री करते हैं, मतलब जो जाना चाहिए वो फिंगर टिप पहले जानी चाहिए, इंटर करनी चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसे हैंड या तो ऐसे रखेंगे या फिर उनका हैंड पूरा इस तरह आ जाएगा या एल्बो पहले आ जाएगा या इस तरह होने लगेगा, तो वो गलत होता है। जो कैच होता है वो कैच वो ये होता है कि पहले आपकी फिंगर टिप गई इंटर की, फिंगर टिप से जब पहले एल्बो तक को हम लोग को पुल करना रहता है, पहले एल्बो तक यहाँ तक पुल किया फिर यहाँ से एक साथ पूरे फोर्स के साथ पीछे की ओर पानी फेंकना रहता है, ठीक। तो ये होता है कैच का प्रॉपर तरीका। इसको आप अंडर वाटर व्यू भी साथ में देखते ही चल रहे होंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड कैच जो होता है, जो हैंड एंट्री होती है, जो पुल होता है, उसमें बहुत लोग ये गलत सोचते हैं कि सिर्फ इतने पार्ट से पुल होता है। बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ अगर मैं इससे ही पुल करूँगा अपने हैंड से तो वही सबसे ज़्यादा फोर्स देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग का आर्म होता है उसका यूज़ करना रहता है, मतलब वही चीज़ जो मैंने बताया ना कि यहाँ जैसे हैंड एंट्री हुई, हैंड एंट्री होने के बाद यहाँ तक हमने पुल किया तो अब ये हम लोग को एक कंबाइंड पुश देगा, और कंबाइंड पुश जब देगा तो हम लोग को एक ज़्यादा बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में फोर्स मिलेगा जो हम लोग को आगे की ओर पुश करेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया, कैच मतलब कैच और हैंड एंट्री किस तरह करनी है। एंड इस कैच को और परफेक्ट किस तरह बनाया जाता है, उसमें आता है बॉडी रोटेशन का पार्ट। बॉडी रोटेशन क्या होती है, तो जैसे आप बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप ये शोल्डर देख रहे होंगे मेरा अभी एकदम सीधा है ना, बहुत लोग ये स्विमिंग करते हैं, ये बहुत लोग कोशिश ये करते हैं स्विमिंग करने की, लेकिन जब हम लोग हैंड एंट्री करते हैं ना तो उसके बाद हम लोग अपने शोल्डर को आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये वाला शोल्डर मेरा आगे आ गया और ये वाला पीछे, फिर इससे हम लोग को मैक्सिमम रीच मिलता है। मतलब मैक्सिमम रीच का मतलब है कि हम लोग ज़्यादा आगे से पानी को पकड़ के पीछे की ओर पुश करेंगे, देन हम लोग की बॉडी और बेहतर तरीके से आगे जाएगी। एंड ये जो बॉडी रोटेशन है, ये एक फुल बॉडी कंबाइंड बॉडी रोटेशन होता है, मतलब सिर्फ शोल्डर नहीं होता। कि जैसे मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये मतलब स्ट्रीम लाइन में है मेरी बॉडी, ठीक है, मैंने हैंड एंट्री की तो ये रोटेशन होती है। आप देख रहे होंगे कि मेरा लेग वाला पार्ट ये भी मूव हो रहा है, तो टोटल फुल मूवमेंट ये होता है बॉडी रोटेशन का। लेकिन अगर आप शोल्डर को टारगेट कर रहे हैं तो समहाउ आपके ये लोअर पार्ट पे भी इफेक्ट करेगा एंड वो भी धीरे धीरे बॉडी रोटेट होने लगेगी। तो फुल रोटेशन ये होता है, ये है, तो ये इस तरह आपकी बॉडी रोटेट होती है, ठीक है। एंड जब ये रोटेट होती है तो जो लोग साइड ब्रीथ का टारगेट करते हैं ना, तो इसी रोटेशन का हम लोग यूज़ भी करते हैं, इसी रोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग की बॉडी राइट साइड हुई, जैसे मान लीजिए ये है, और जैसे राइट साइड हम लोग की बॉडी घूमी उसी समय हम लोग ऐसे ब्रीथ ले लेते हैं एंड देन नेक्स्ट वाला पुल हम लोग अपना एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमेशा अभी इसको वाटर के साथ आप लोग देख रहे होंगे, अंडर वाटर व्यू भी देख रहे होंगे, तो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी रोटेशन एक्चुअली में किस तरह दिखती है और किस तरह वर्क करती है। एंड एक चीज़ और, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अब जैसे इसको मान लीजिए एक वॉल है एंड इसमें मान लीजिए हम लोग को ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, ड्रिल एकदम सीधे नहीं की जाती है। जब भी ड्रिल मशीन चलती है तो क्या होता है कि वो इस तरह चलती है या पूरी घूमती है ना, तो जो ये मोशन होता है ये कट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब कोई भी मोशन, मतलब जैसे चाहे वाटर हो चाहे कोई वॉल हो, वॉल में जैसे ड्रिल होता है तो इस तरह मोशन होता है, एंड पानी में भी जब हम लोग स्विमर्स की बॉडी इस तरह होती है तो पानी को कट करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसलिए हमेशा बॉडी रोटेशन को एक कंबाइंड रोटेशन है, इसको समझिए एंड इसका यूटिलाइज अपने स्ट्रोक में करिए। तो देखिए, रोटेशन का एक और बेनिफिट होता है, जैसे मैंने कैच वाला बताया पार्ट आपको ऊपर कि कैच बढ़ जाता है, तो उसको आप लोग देख लीजिए पानी में। जैसे ये हैंड है मेरा, तो अभी वॉल से दूर है ना, लगभग दो चार इंच दूर है। फिर जैसे मैंने रोटेट करूँगा, ये देखिए वॉल के पास पहुँच गया तुरंत, ठीक। और यही मोशन होता है, ये हम लोग को अपने शोल्डर को आगे और पीछे करना रहता है। शोल्डर जैसे मैंने आगे किया तो मुझे 4 इंच आगे का ही कैच मिल गया, और उस पानी को मैं पीछे पुल करूँगा देन मेरी बॉडी आगे जाएगी। तो हमेशा जब भी स्विमिंग कर रहा हूँ
तो शोल्डर को आगे एंड पीछे करके रोटेट करना है उसको। अभी आप बस यहीं पे देखिए, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रोक करके आ रहा हूँ, तो आप मेरी बॉडी मोशन देखिएगा। फिर तो आपने देखा कि बॉडी किस तरह मूव हो रही थी मेरी शोल्डर। तो ये होता है शोल्डर रोटेशन का बेनिफिट होता है, और इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। तो ये सारे पार्ट हो गए बॉडी रोटेशन तक। अब इसके बाद का जो है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में सबसे मेजर होता है कि आप जब ब्रीथ कर रहे हो, जैसे रोटेशन वाला मैंने पार्ट बताया, अगर उस रोटेशन का यूज़ करके कर रहे हैं तब तो ब्रीथिंग आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे साइड ब्रीथ, और आपकी आपका जो स्पीड है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ब्रीथिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हेड ऐसे उठा लेते, सिर्फ हेड उठाते हैं। तो जैसे हेड डिस्टर्ब हुआ, तो जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था ना, हेड स्पाइन हिप एंड आपका लेग, ये चारों कनेक्ट होते हैं। तो जैसे हेड डिस्टर्ब हुआ आपका, वैसे ही आपका जो बॉडी पोजीशन है, स्ट्रीम लाइन है, वो सब डिस्टर्ब होने लगेगा। एंड देन फिर लेग सिंक वाली प्रॉब्लम एंड स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये सारे फिर आपको दिखने लगेंगे, फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम दिखेगी। तो सबसे बेस्ट होता है कि जब भी आप स्विमिंग करो तो बिना हेड को डिस्टर्ब किए आपको ब्रीथ करना है। और बिना हेड को डिस्टर्ब किए ब्रीथ किस तरह करना है, वही जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो जो नेचुरल बॉडी रोटेशन होता है उसी में ऐसे हेड को रोटेट करके हम लोग को ब्रीथ ले लेना रहता है, ठीक है। तो जो ब्रीथ है वो बॉडी रोटेशन का ही एक पार्ट होता है, और उसको आप लोग समझ के और ईजिली आप लोग इम्प्लीमेंट करके आप लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इस ब्रीथ वाले पार्ट में, जैसे मैंने अभी कुछ दिन या एक दो हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था एयर पॉकेट का, कि जब भी हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो आपके शोल्डर से लेके चिन तक एक एयर पॉकेट बनता है। तो उस एयर पॉकेट तभी बनेगा जब आपकी बॉडी रोटेशन अच्छी होगी, किक की पावर अच्छी होगी, ठीक। तो वो एयर पॉकेट वाला जो वीडियो है वो आप इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर और समझ में आ जाएगा कि जो ये साइड ब्रीथ होता है उसको बिना मुँह में पानी जाए किस तरह हम लोग ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं किकिंग पे। तो किकिंग देखिए, अभी आप अंडर वाटर व्यू देख रहे होंगे इधर, कि मैं एकदम सीधे खड़ा हूँ, ठीक। एंड जब मैंने किक स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिक क्या हुई, जैसे इस तरह खड़ी है तो ऑटोमेटिक ऐसे टर्न होने लगी, फिर इस तरह आ गई, फिर ऐसे आगे बढ़ने लगी ना। तो किक इसी तरह होती है, मतलब किक का मेन काम ही यही होता है कि वो आपको आगे की ओर बढ़ाए। और बहुत लोग गलत क्या करते हैं किक में, वो लोग किक को काफ़ी ज़्यादा या तो फोल्ड करके किक करने की कोशिश करते हैं। अब ये समझिए, अगर आप किक ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फोर्स आप पीछे की ओर डाल रहे हैं एंड आपकी मूवमेंट इस तरफ होगा। लेकिन अगर आप किक को ज़्यादा मोड़ देंगे तो फोर्स आप इस तरफ डाल रहे हैं ना, तो आपको जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो आपको डाउनवर्ड मिलेगा, तो आपकी बॉडी नीचे की ओर आने लगेगी। और जब नीचे की ओर आने लगेगी तब आप जब ब्रीथ भी लेंगे, तो मान लीजिए आप जब ब्रीथ लेने के लिए हेड मोड़ेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक पहले से ही नीचे जा रही है, तो मुंह में पानी चला जाएगा, फिर आप कहेंगे सर पानी जा रहा है। एंड जो किकिंग होती है वो बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये जो घुटना है वो नीज है उसी को बेंड करके होता है, ठीक है, उसको बेंड करके होता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपका जो ये थाई है ये भी एक उसका पार्ट होता है। तो किक कुछ इस तरह चलती है, ये आप देख रहे हैं ना, मेरी कमर से भी ये हल्का सा मोशन आ रहा है, ठीक, और वो थाइस में भी आ रहा है, एंड उसके बाद ये अपना जो नीज है वो बेंड होके फिर किक चल रही है। अगर सिर्फ आप क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एकदम होल्ड कर लेते हैं, थाइस को होल्ड कर लेंगे और सिर्फ ये किक करेंगे छोटी छोटी। अब इस किक से ना वो लोग पावर तो बहुत लगेगी कि सर पावर तो खूब लगा रहे हैं, सर किक तेज कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आपका एक कंबाइंड मोशन जो होता है वो हो ही नहीं रहा है लेग का, ठीक है। आप पावर भले लगा रहे हैं, बल्कि जो ये कंबाइंड मोशन जब आप करेंगे, जो ये आपके कोर और थाइज और ये लेग से मिल के जो किक चलती है, तो उसमें कम पावर में ही आपकी बॉडी आगे से, मतलब आगे की ओर ग्लाइड करने लगेगी, और इस तरह आपकी किक अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा किक को वाटर सरफेस के एकदम पैरेलल में रख के किक करिएगा। आप देख रहे होंगे अभी मैंने किक का कल भी एक वीडियो डाला था, तो जब मैं किक कर रहा था तो उसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा था कितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। उसी तरह आप लोग को भी ट्राई करना है, जिस तरह आप लोग इधर देख रहे होंगे साइड में कि मैं किक किस तरह कर रहा हूँ, कि वाटर लेवल को ना ब्रेक हो रहा है ना वाटर लेवल से ज़्यादा डाउन है, एकदम वाटर लेवल के सरफेस पे ही चल रहा है। तो ये वाला पार्ट आप समझ जाइए। तो ये सारे एलिमेंट होते हैं, इसको कंबाइन करिए एंड प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा है कि आपको प्रैक्टिस ही करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे। हालांकि एक दिन में ये 5-6 एलिमेंट एक साथ कंबाइन मत करिएगा,
बट कुछ कुछ एलिमेंट को टारगेट करिएगा। जैसे पहला दिन है आपको स्ट्रीमलाइन टारगेट करिए, ठीक है। सेकंड डे आइए तो कैच को टारगेट करिए, कैच सही करना है। थर्ड आएंगे तो बॉडी रोटेशन, ठीक है। बॉडी रोटेशन के बाद ब्रीथिंग पे आएंगे, ठीक, और फिर किकिंग। इस तरह आप लोग करेंगे तो आपकी एक परफेक्ट स्विमिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है मतलब कि अगर आप सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, 10 दिन 15 दिन या एक हफ्ते के अंदर भी हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी लगन के साथ कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड फिर अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।